मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की मंगलवार दोपहर श्याम नगर स्थित उनके घर में घुसकर दो शूटरों ने हत्या कर दी थी। वहीं गोगा मेड़ी की हत्या के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। लोग रास्ते पर उतर कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के समर्थक सुबह से ही विरोध प्रदर्शनों में जुट गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में रास्ता जाम करने और टायर जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर गोगा मेड़ी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। खबरों के अनुसार प्रदेश की राजधानी जयपुर में प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिला। इस बीच सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान की गई है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौर बताया जा रहा है, तो रोहित मकराना का रहने वाला है, और वहीं दूसरे आरोपी का नाम नितिन फौजी बताया जा रहा है। नितिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों फरार हैं, पुलिस इनकी तलाश में जुटी है, लेकिन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है।